इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वीवो के फ़ोन में डेटा कनेक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड। डेटा कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो अपने डेटा कनेक्शन से ही करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो वो यहाँ पर हमारा डेटा कनेक्शन प्रॉब्लम कहलाती है। अब इसको सोल्व कैसे करें, क्या प्रॉब्लम रहती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में जब जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको सिम डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाना होगा। और जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डेटा नेटवर्क मिलेगा, यही हमारा डेटा कनेक्शन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको उस सिम से नेट चलाना है जिस पर आपकी इंटरनेट बैलेंस हो, ठीक है। उस पर तो आपको चलाना ही है, तो सबको पता रहता है यहाँ पर ये रहा और डेटा कनेक्शन ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क मोड। अब नेटवर्क मोड आप किसी हिसाब से लगा सकते हैं, ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया पर आपका 4G कैपेबल नहीं है तो वहाँ पर आप 3G लगा सकते हैं, 3G 2G वहाँ पर आपका बेटर आएगा। बट अगर आप कैपेबल है उस इलाके में आप चलाते हैं जहाँ पर 4G अच्छा चलता है तो 4G लगा सकते हैं। एक बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ पर इसी तरीके से आती है कि आपका जो एरिया होता है उस टाइम पर 4G चलाने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मतलब चलता तो है लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर प्रॉब्लम आई होती है। और सबसे एंड में यहाँ पर आप एक्सेस पॉइंट नेम पर जाइए। एक तो कंपनी आपको एक्सेस पॉइंट नेम SMS के थ्रू भेजती है, बट अगर SMS के थ्रू नहीं भेजती है तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट आती है यहाँ पर, स्टार्ट टू डिफ़ॉल्ट कर लीजिए इसको, और यहाँ पर स्टार्ट टू डिफ़ॉल्ट होगी और आपकी जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर डेटा कनेक्शन से रिलेटेड वो सोल्व हो जाएगी। और अपने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर 100% सोल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।